जिस तरह से चीन ने तवांग में घुसपैठ करने की कोशिश की, ड्रैगन उसी तरह ताइवान पर भी हमले की बड़ी साजिश रच रहा है। ताइवान के पास उसने आज 29 फाइटर जेट भेज दिए। जिनपिंग की लाल सेना इस वक्त कहां कहां उकसावे की कार्रवाई कर रही है, वो कौन से स्पॉट हैं जो है रेड आर्मी पर बहुत बड़ी चोट होने वाली है, अब इसका एनालिसिस देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। अरुणाचल के तवांग में चीन की चालबाजी का काम तमाम हो गया। ड्रैगन ताइवान पर आक्रमण करना चाहता है, लेकिन इस मोर्चे पर भी वो नाकाम है। तवांग टू ताइवान, विस्तारवादी जिनपिंग एक साथ कई फ्रंट पर साजिशें रच रहे हैं। चौबीस घंटे में चीन ने ताइवान स्ट्रेट में 29 एयरक्राफ्ट भेज दिए। इनमें 18 खतरनाक बॉम्बर थे। चीन के 3 युद्धपोत भी ताइवान को डराने और धमकाने पहुंचे। चीन अपनी जिस विस्तारवादी नीति को ताइवान में अंजाम देने की फिराक में है, उसी के तहत एलएसी पर भी हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है। तवांग में जो कुछ हुआ वो इसी का प्रमाण है। हो गई हिंद के वीरों ने जिनपिंग की रेड आर्मी को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। ये बहुत यहाँ पर सेंसिटिव इलाका है तवांग, जहां पर यांगसे में जो यांग की पोस्ट को हटाने के लिए चीन और भारत के बीच 9 तारीख को एक बड़ा विवाद हुआ, और उसके बाद से लगातार भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत की तैयारियां बिल्कुल पुख्ता है, और ये तैयारियां कितनी पुख्ता है ये भी हम लगातार बता रहे हैं। आप तवांग तक आएंगे तो आपको वो महसूस होगी, आपको फिजाओं में वो महसूस होगा। इस वक्त केवल और केवल TV9 भारतवर्ष इकलौता चैनल है जो तवांग में मौजूद है, और तवांग से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। यहाँ से यांग से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ऊपरी तवांग में यांग से पड़ता है, जहाँ पर वो विवाद हुआ था, जहाँ पर चीन ने भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, दुस्साहस किया था, और भारत ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया था। और भारत के इस मुंहतोड़ जवाब के बाद चीन का हाल बेहाल है। एलएसी पर चीन ने बहुत बड़ा बिल्डअप तैयार कर लिया है। तवांग के पास चीन ने फाइटर जेट, ड्रोन, अर्ली वार्निंग सिस्टम समेत तमाम मिलिट्री वेपन तैनात कर दिए हैं। ड्रैगन का ये कदम ऐलान कर रहा है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के खिलाफ चीन की हिमाकत और बढ़ने वाली है। अगर चीन हद में नहीं रहा तो उसे 3 मोर्चों पर मात खानी पड़ेगी। पहला ताइवान, दूसरा दक्षिण चीन सागर, तीसरा एलएसी। इन 3 जगहों पर ड्रैगन लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ताइवान और दक्षिण चीन सागर में चीन के किसी भी एक्शन पर उसे सीधे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करना पड़ेगा। एलएसी पर हिंदुस्तान उस पर प्रहार करने के लिए तैयार है। यहाँ भी चीन के खिलाफ भारत को अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का साथ मिलेगा। इस बात का सबूत उस वक्त आ गया जब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने तवांग झड़प को चीन का एग्रेशन बताया। जाहिर है अगर चीन नहीं मानता, अगर उसने अपनी विस्तारवादी नीति पर ब्रेक नहीं लगाया तो वो बर्बाद हो जाएगा। ताइवान और तवांग में उसका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जमीनखोर जिनपिंग का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।